नमस्कार, हमारे साथ हैं वी के मिश्रा जी। अभी वर्ल्ड पार्लियामेंट का इन्हें अवार्ड सेरेमनी हुआ है, आइए जानते हैं जिस तरह से यंग एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दे रहा है वर्ल्ड पार्लियामेंट, आखिर क्या संदेश देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से वर्ल्ड पार्लियामेंट यहाँ पर खासकर यंग एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दे रहा है, आप इसको कैसे देखें? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स को कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से, जिसमें सभी तरह के वर्गों का, सभी व्यवसायों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रहा है, और इससे एक के बाद एक ये कड़ी बना के सभी लोग अगर फैलते जाएंगे तो आई एम श्योर कि विश्व में ये जो आर्थिक स्वायत्ता की बात ये कर रहे हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट में, वो जरूर इनका उद्देश्य सफल होगा। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। खासकर अभी जिस तरह से भारती जी ने अपना खासकर कंपनी लॉन्च किया, आप उनके लिए क्या समझते हैं? भारती जी के लिए तो मैं बहुत विशेष तौर पर सबसे पहले तो उनकी हिम्मत की और उनका जो ये उत्साह है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और दूसरी बात, उन्होंने जो सबसे पहले बड़े सहज शब्दों में कही कि मैंने अपने जीवन में जो महिला होने के जो उत्तरदायित्व थे वो सारे पूरे कर लिए, जो अपेक्षाएं माता पिता की, जो अपेक्षाएं पति पति की थी और जो बच्चों की थी, वो सब पूरा करने के बाद फिर लास्ट में उन्होंने अपने ड्रीम को परसू करना शुरू किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है दूसरी महिलाओं के लिए भी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हमारे समाज में हमें महिलाओं को शुरू से ऐसा मौका देना चाहिए कि वो अपने जो पैशन है उसको शुरू से परसू कर सकें, ऐसा उनके ऊपर बोझा नहीं लादना चाहिए। ये सबका शेयर है, सबको शेयर करना चाहिए। तो उनको विशेष तौर पे एक वुमेन आइडल जो बनेंगी वो सभी के लिए, वो वुमेन एम्पावरमेंट में भी आई एम श्योर एक अच्छा उदाहरण देंगी। खासकर यहाँ जब कार्यक्रम हो रहा था, खासकर कुछ यंग एंटरप्रेन्योर बाहर उनका स्टॉल भी लगा है, तो आप ऐसे और भी लोग आए यहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट से जुड़े, आप उन्हें क्या समझते हैं? मैं कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप की कोई एज नहीं होती, सभी यंग हैं। जो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे हैं वो सब यंग हैं, किसी भी एज के हों, और उनके उत्साह के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उनके प्रोडक्ट्स हैं उस पर ध्यान दें। तो यहाँ जो आए हैं, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मैं भी कटहल के अचार का वेट कर रहा हूँ, अगर बचा होगा तो मैं लेके जाऊँगा उनसे खरीद के। सो आई ऑलवेज इंकरेज दी यंग एंटरप्रेन्योर्स, एंड जितने भी ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी सबसे खास बात यह है कि अगर वो अपने पैशन के साथ काम कर रहे हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकेगा। सरकार की स्कीम, ये सब सहारा बनती जाएंगी और वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, एंड मेरी शुभकामनाएं सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो वर्ल्ड पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे आए उनके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीके मिश्रा जी। थैंक यू। तो ये थे वीके मिश्रा जी, बता रहे थे जो भी यंग एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड पार्लियामेंट से जुड़ना चाहेंगे निश्चित तौर पर उन्हें आगे बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन सुभाष शर्मा, नमस्कार।